खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी के लिए प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर प्रभावी सूची मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शुक्ला ने बताया कि आम जनता में सूचना का अधिकार की जानकारी के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों और विधि कॉलेज के माध्यम से वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश भर में कार्यशालाओं का आयोजन करके सूचना का अधिकार के लिए आम जनता में जागरूकता भी फैलाई जाएगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि इसी के साथ ही सूचना क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसी क्रम में RTI दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता एवं परिचर्चा आयोजित की है। इसमें हमें यह समझ आ रहा है कि जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं और विशेषकर जो विधि से जुड़े हुए हैं, उन्हें जानकारी होगी, क्योंकि RTI वैसे तो आम जन का अधिकार है। आम जन भी हमको यहाँ पे काफ़ी कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत पढ़ के, और हमको यहाँ पे प्रोविजन बता वो लोग पढ़ के बता के जाते हैं, लेकिन जो उनका सब्जेक्ट है जिनका विशेष रूप से, उनको भी जानकारी हो। कई बार ऐसे भी आएंगे जिनको थोड़ा सा इग्नोरेंस है, बातचीत करके पता लगता है, लेकिन जानकारी अगर प्रॉपर सबको है तो ये RTI एक्ट का बहुत अच्छा जो है ना उपयोग हो सकता है, उसका अच्छा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। तो इसीलिए कार्यशाला का भी आयोजित किया पब्लिक अथॉरिटीज़ में, तो उनके बीच में भी कार्यशाला में थोड़ा उनकी भी ज्ञान भी बढ़ेगा और वो डिस्पोजल जो है वो भी बढ़ेगा, तो उससे जो है काफ़ी लाभ मिलेगा जन सामान्य को। जो RTI एक्ट का जो मेन मकसद है ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस, तो उसमें बहुत इसमें उपयोग होगा, उसका बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा।